गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप ऑल यू आर फाइन. टुडे वी रीड ईवीएस चैप्टर नंबर 23 एंड चैप्टर नेम इज गार्बेज एंड इट्स डिस्पोजल. कूड़ा कचरा और बेटा इसको हम कैसे डिस्पोज करते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. जो स्टूडेंट्स होते हैं इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है गार्बेज को फैलाने में भी, ठीक है. तो आज हम देखेंगे कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसको, कैसे डिस्पोजल कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट रीड. पूजा एट अ चॉकलेट एंड थ्रू अवे इट्स रैपर. व्हाई डू यू थिंक शी थ्रू अवे द रैपर? देखो, पूजा ने क्या किया, चॉकलेट खाई और उसका रैपर जो था बेटा उसको फेंक दिया, ठीक है. व्हाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हो, शी थ्रू अवे द रैपर, कि जो उसने उसे मतलब रैपर क्यों फेंकना चाहिए, रैपर क्यों फेंका उसने. शी डिड दिस, उसने ऐसा किस लिए किया, क्योंकि द रैपर वाज ऑफ नो यूज. जो रैपर है बेटा उसका यूज नहीं था. आप चॉकलेट खा देते हो ना, रैपर तो नहीं खाते सभी. रैपर को हम क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, है ना. इट वाज अ पीस ऑफ वेस्ट और गार्बेज. हम क्या समझते हैं, क्योंकि ये क्या था, पीस ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट का एक टुकड़ा था, या गार्बेज का, कचरा हम जिसे बोलते हैं, उस चीज का एक टुकड़ा था, ये छोटा सा भाग था. वेस्ट और गार्बेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल्स दैट आर नो लॉन्गर नीडेड एंड आर थ्रोन अवे. वेस्ट और गार्बेज से हम क्या मतलब क्या समझते हैं, कि जो मटेरियल्स जो हम यूज करते हैं दैट आर नो लॉन्गर नीडेड, जिनकी जरूरत नहीं होती, एंड आर थ्रोन अवे, जिनको फेंक दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे वेस्ट फूड, जैसे जो वेस्ट फालतू का जो खाना होता है, एंड पेपर, कागज को आप क्या कर देते हो, फेंक देते हो ना, जिसकी जरूरत नहीं होती. अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड इन हाउसेस, ऑफिसेस एंड फैक्ट्रीज. बहुत बड़ी संख्या में मात्रा में जो वेस्ट होता है बेटा प्रोड्यूस होता है, वो कहां से, घरों से. हम देखो कितना गार्बेज कचरा निकालते हैं, ऑफिसेस में जो काम करते हैं वहां से हम कितना सारा गार्बेज निकालते हैं, एंड फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज से भी क्या होता है, डेली इतना गार्बेज निकलता है. When all the waste is left in the open, देखो जितना भी जो ये waste होता है वो कहाँ पे, जब openly पड़ा होता है, it gives, क्या होता है ये, used to disease like diarrhea, dysentery, typhoid and cholera, ठीक है. ये क्या होते हैं, फिर बीमारियां फैलती हैं जब open में ये कूड़ा होता है, फेंक देते हैं हम कूड़ा कचरा जो भी होता है, ठीक है. वहां पर फिर क्या होती है, मॉस्किटोज फ्लाइज फैलती हैं, कॉमन सेंस की बात है. और क्या हो जाता है, ड्रेनेज सिस्टम को क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है. नालियों में जो रैपर्स हम फेंक देते हैं ना, आप चिप्स खा लेते हो, कुरकुरे खा लेते हो, और इनके पैकेट है, जब डस्टबिन में ना डाल के आप क्या कर देते हो, ओपनली अगर फेंक देते हो, तो उससे क्या होता है, वो नालियों में उड़ के ड्रेनेज सिस्टम को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं. इट ऑल्सो क्रिएट्स अ फाउल स्मेल. फिर क्या होता है, बदबू का भी कारण बनता है ना, स्मेल भी फैलती है उससे, फिर गंदी स्मेल होती है. वी मस्ट गेट रिड ऑफ दीज वेस्ट टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन. और इससे छुटकारा पाने के लिए, गेट रिड होने के लिए वेस्ट से, टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी सराउंडिंग्स है बेटा उनको क्लीन, साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है. आप घर पे आते हो तब भी आपको घर भी अपना साफ सुथरा रखना चाहिए, और जब आप स्कूल में होते हो तो आपको स्कूल में भी क्या होना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, अपने क्लासरूम को भी, क्योंकि जब हम क्लास में बैठते हैं तो ठीक है, हम अपना टाइम वहां पे स्पेंड करते हैं, तो हमें वहां पे भी क्या करना चाहिए, गार्बेज को डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए, ठीक है. टाइप्स ऑफ वेस्ट हम पढ़ेंगे, वेस्टेज के जो क्या टाइप होते हैं. वेस्ट इज ऑफ टू टाइप के वेस्ट हम माना जाता है. फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है. एक होता है बायोडिग्रेडेबल होता है, एक होता है नॉन डी बायोग्रेडेबल, ठीक है. बरी सम वेजिटेबल पील्स एंड कॉक कैन इन द सॉइल इन फ्लावर पॉट, ठीक है. कुछ वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं ना, पील्स होते हैं, एंड कॉक, और जो कॉक होती है कैन, कॉक कैन होती है, जो कैन होती है कॉक की, इन द सॉइल इन अ फ्लावर पॉट, उसको आप क्या करोगे, इन द सॉइल बोना, फ्लावर पॉट, एक फ्लावर पॉट में डिग, गड्ढा खोदिए आप. डिग दीज थिंग्स आउट आफ्टर अ वीक, फिर क्या करोगे आप, मतलब इनको थिंग्स को आउट आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते के बाद, यू सी दैट देयर इज नो साइन ऑफ द पील्स. आप क्या देखोगे वहां पे,
कि वहां पे आपको पील्स का, छिलकों का कुछ भी वहां पे चिन्ह साइन नजर नहीं आएगा। द कैन हाउ एवर थिंग्स आउट आफ्टर द कैन हाउ एवर इज स्टिल देयर। जो आपको कैन है ना बेटा, वो एज इट इज नजर आएगी, स्टिल देयर वहां पे पड़ी नजर आएगी, जो कैन होगी वहां पे आपको, ठीक है, कोक की बॉटल भी जिसको हम बोलते हैं, वो आपको सेम वहीं पे एज इट इज नजर आएगी। और जो छिलके हैं ना बेटा, ठीक है, सब्जी के, वो आपको नजर नहीं आएंगे एक हफ्ते के बाद। व्हाट हैपन टू द वेजिटेबल पील्स, क्या हुआ उनका, सब्जियों के छिलकों का क्या हुआ होगा उनका, ठीक है, दे रोटेड अवे कम्प्लीटली एंड बिकेम पार्ट ऑफ द सोइल। वो क्या हो जाते हैं, रोटेड अवे, ठीक है, कम्प्लीटली वो पूरी तरह से किस में मिक्स हो जाते हैं, बिकेम अ पार्ट ऑफ सोइल, और जमीन में मिक्स हो जाते हैं, वो उसी में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। सो वी सी, इसलिए हम देखते हैं, सम टाइप्स ऑफ वेस्ट डीकम्पोज रॉट, ठीक है, इजिली एंड बिकम पार्ट ऑफ द सॉइल। इसलिए हम क्या कर देते हैं, हम क्या देखते हैं कि कुछ जो वेस्टेज के टाइप होते हैं ना, वो डीकम्पोज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, जैसे गल जाते हैं, किसमें हो जाते हैं, इजिली, आसानी से, एंड बिकम पार्ट ऑफ द सॉइल, और जमीन का पार्ट बन जाते हैं मिक्स होके उसी में, ठीक है। दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड, इस टाइप के वेस्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो आसानी से सॉइल में ही मिक्स होके उसी का पार्ट बन जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वेस्ट फूड, पेपर, लीव्स, ग्रास एंड फ्लावर्स आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे बचा हुआ जो खाना होता है, पेपर बच जाता है, लीव्स, पत्ते, ठीक है ना, और घास और फूल, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है बेटा, ठीक है। सम ऑफ द वेस्ट डू नॉट कम्पोज इजिली, इनमें से मतलब कुछ देखो ऐसे भी होते हैं जो आसानी से डीकम्पोज नहीं होते, इजिली नहीं होते, दे डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ द सॉइल, ये मतलब आसानी से जमीन में, मिट्टी में मिक्स नहीं होते, पार्ट नहीं बनते उसका। दीज वेस्ट आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप, जैसे प्लास्टिक्स, मेटल्स एंड ग्लास, कांच होता है जो आप देखना उसको जमीन में, वो एज इट इज मिलेगा आपको कई हफ्तों के बाद भी, ठीक है। प्लास्टिक सेम एज इट इज प्लास्टिक है बेटा, ठीक है। और मेटल्स जो होती हैं, जैसे ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट स्टे अनचेंज्ड इन सॉइल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड पोल्यूट द सॉइल, ठीक है। ये क्या करते हैं, लंबे समय तक तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और अगर फिर क्या करते हैं, ये पोल्यूट करते हैं, प्रदूषण करते हैं सॉइल का। व्हेन एनिमल्स लाइक काउ ईट दीज वेस्ट दे फॉल सिक एंड एट टाइम्स इवन डाई, ठीक है। जैसे फिर क्या होता है, जब जानवर जैसे काउ है, ठीक है, इन वेस्टेज को जब खा लेती है ना, प्लास्टिक्स और ये जैसे लिफाफे वगैरह जो होते हैं, ठीक है, पॉलिथीन होते हैं जो, पॉलीबैग्स वगैरह, तो ये क्या, इन वेस्टेज को खाने के बाद दे फॉल सिक, वो बीमार पड़ जाती है, एट टाइम्स इवन डाई, और मतलब कई बार तो क्या हो जाता है, डेथ भी हो जाती है इनकी ये खाने से। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, डिस्पोजल देखेंगे हम सॉलिड वेस्ट का कैसे होता है। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी जिम्मेदारी होती है, टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, कि हमारे जो सराउंडिंग्स हैं, आसपास का एरिया जो है बेटा, उसको हम क्लीन रखें। वी पिकअप ऑल द वेस्ट, हमें जितना भी वेस्टेज है उसको उठाकर, वी क्रिएट एंड पुट देम इन डस्टबिन, हमें वो सारा कहां पर डाल देना चाहिए, डस्टबिन में थ्रो कर देना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। इट्स आवर मॉरल ड्यूटी ऑल्सो, ये हमारा मतलब देखो मॉरली भी हमारी ड्यूटी बनती है। स्वीपर्स कलेक्ट दिस गार्बेज एंड डंप इट इन क्लोज्ड गार्बेज बिन्स, जो स्वीपर्स होते हैं वो सारा कूड़ा जो कचरा इकट्ठा करके कहाँ करते हैं, इसको इकट्ठा करके बंद करके डंप करके गार्बेज में, और कहाँ डाल देते हैं, बड़े बड़े जो बीन्स होते हैं ना उनमें डाल देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, रिमेनिंग लेसन वी विल रीड टुमारो, ओके एंड हैव ए नाइस डे, ठीक है। होप दिस अंडरस्टैंड दिस लेसन इज बेनिफिशियल फॉर इन योर लाइफ, ठीक है बेटा। ये हमारी लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है लेसन, क्योंकि हमें नीट एंड क्लीन रखना चाहिए अपने सराउंडिंग्स को, ओके ओके एंड हैव ए नाइस डे।